बता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कन्या राशि का जून के महीने में सरकारी नौकरी योग। जो कन्या राशि वाले बहुत समय से सरकारी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे, क्या जून के महीने में सरकारी नौकरी योग बन रहा है? क्या जून का महीना ऐसा महीना है जिसमें उनको सरकारी नौकरी योग मिल सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या राशि वालों का जून के महीने का सरकारी नौकरी योग। यदि आपकी भी कन्या राशि है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। कन्या राशि वालों का सरकारी नौकरी योग किस प्रकार से देखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी योग होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी योग है तो जून के महीने में सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। तो कैसे जानेंगे, जल्दी से अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए और उसमें लग्न चार्ट को देखिए। क्या आपके लग्न चार्ट में सूर्य के साथ आपके लग्नेश, आपके भाग्येश यानी कि नाइन्थ हाउस, आपके कर्मेश यानी कि टेंथ हाउस और आपके लाभेश यानी कि इलेवेंथ हाउस के स्वामी लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठे हों, फोर्थ हाउस में बैठे हों, नाइन्थ हाउस में बैठे हों, टेंथ हाउस में बैठे हों या इलेवेंथ हाउस में बैठे हों, तो ये योग दर्शाता है कि आपके जीवन में आप प्रयास करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। अब कब बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, ये जान लेते हैं। अब जून के महीने में आपको सरकारी नौकरी योग है या नहीं, उसके लिए सूर्य की दशा देखेंगे कि सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का नवम भाव में जून के महीने में गोचर करना सरकारी नौकरी का योग दर्शा रहा है। इसी के साथ ही आपके लग्नेश बुध आपके सेवेंथ हाउस में गोचर कर रहे हैं। आपके भाग्य के मालिक शुक्र हैं जो नाइन्थ हाउस में ही अपने ही घर में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। आपके टेंथ हाउस के स्वामी बुध हैं जो सेवेंथ हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो गोचर स्थिति के अनुसार जून का महीना सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही उत्तम योग बना रहा है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी योग तो बन रहा है परंतु ये योग स्ट्रांग नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में बार बार प्रयास करने के बाद सफलता कुछ ही पलों पर रह जाती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में सबसे पहले तो हम महादशा देखेंगे कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है, कौन से ग्रह की चल रही है। उसी के साथ साथ हमें कुछ उपाय भी करने होंगे। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में आपके लग्नेश की, आपके भाग्येश की और आपके टेंथ हाउस के साथ सूर्य की आपको जून के महीने में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा मिल रही है तो वो समय आपके सरकारी नौकरी योग को जून के महीने में और भी स्ट्रांग कर देता है। ऐसी स्थिति में जब योग कमजोर बन रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कुछ उपाय करने हैं जिससे कि ये योग आपका स्ट्रांग हो जाए। कौन से हैं उपाय, जान लेते हैं। सबसे पहले आपको रोज सुबह 7 बजे से पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ेंगे और यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो उसे सुन सकते हैं, उसमें भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। इसी के साथ ही आपने बुधवार से शुरू करके रोज गाय को हरा चारा अपनी इच्छा अनुसार जरूर खिलाना है। बुधवार से ही शुरू करके आप रोज गणेश जी के मंदिर में जाएंगे, गणेश जी को देसी घी का दिया अर्पित करेंगे, धूप का अर्पित करेंगे, एक सिक्का अर्पित करेंगे और लड्डू का भोग लगाएंगे। ये उपाय करने से आपका सरकारी नौकरी योग मजबूत हो जाता है। इसी के साथ ही अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में उगते हुए सूरज का फोटो लगाएंगे या सीनरी लगा सकते हैं। उसके नीचे अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे, उसके पीछे आप लिखेंगे कि आप किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी योग चाहते हैं। मुझे उस क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लिखकर आपने वो फोटो ईस्ट में लगा देना है। तो मित्रों, ये थी जानकारी
कि क्या जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी के लिए मजबूत है, क्या आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ होगा।